मैं जब 4 साल की थी तब से मैंने गाना शुरू किया। मम्मी से ही मुझे मोटिवेशन मिला। तब से 4 बजे उठती थी और 1 घंटा रियाज करती थी। अभी तो हॉस्टल में रहती हूँ तो स्टेयर्स के वहाँ जाकर करती हूँ। 5th स्टैंडर्ड में थी तो तब मुझे किसी भी ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह में नहीं लिया जाता था क्योंकि मैम सोचती थी कि मैं उतनी लायक नहीं हूँ और तब थी भी नहीं। फिर मैंने पापा को आकर बोला था, बहुत मैंने रोया था। फिर पापा ने कहा कि ऐसा बनो कि तुमको लेकर डिबेट हो कि किस ग्रुप में तुम जाओगी, ये लेकर झगड़ा हो। फिर मैंने शांतिनिकेतन में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। एक कॉन्फिडेंस आने लगा, रेंज भी मेरा बढ़ता गया। फिर मैंने रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। तो रियलिटी कॉम्पिटिशन के बाद जब मैं वापस स्कूल आई, सब बहुत चीयर अप करते थे, इंस्पायर करते थे। तब एक मतलब अलग मोटिवेशन मिला कि दोस्तों का भी सपोर्ट मिलने लगा। और शोज़ से आने के बाद मुझे लगा कि फेम बहुत शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि पहले पहले लोग पहचानते थे, बुलाते थे, बात करते थे, फिर धीरे धीरे वो फेड होने लगा फेम। तो गाना मैंने पॉपुलैरिटी के हिसाब से नहीं चुना था, एक मेरा पैशन है तो मैंने इसे कंटिन्यू किया। पहले भी करती रही और आज भी करती हूँ। ये कंपटीशन के बारे में मुझे पता चला जब शान सर ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में। तब मैंने ऑडियो भेजा था और तब मैं घर में थी। फिर वापस जब हॉस्टल आ गई तो पढ़ाई चालू हो गया, दोस्तों के साथ घूमना वगैरह चालू हो गया, तो मैं भूल गई थी। जब मुझे 1 मंथ बाद फ़ोन आया तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत मतलब लगा कि कैसा होगा। पैराशूट जैस्मिन हम जैसे सिंगर्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। फिर म्यूज़िक वीडियो में मैं खुद रहूँ, लोगों से सुने, पसंद करें, तो दैट वुड बी माई ड्रीम।